हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने त्रुटियों के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रकार के मेजरमेंट में जो एरर होती है वो बेसिकली हमारे शुद्ध या वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच का अंतर होती है। और ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जिसमें कोई एरर ना हो। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती ही होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकली मेजरमेंट में एरर कितने प्रकार की होती है और मैथमेटिकली हम उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। हमने उस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ सको कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक क्वेश्चन मैंने एज एन असाइनमेंट आपको दिया था, आशा करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो उसकी परसेंटेज त्रुटि जो आ रही है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके गाइस, आज के इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोई भी भौतिक राशि जब किसी दूसरी भौतिक राशि के साथ जुड़ती है या घटती है या गुणा होती है या भाग होती है या उस भौतिक राशि के ऊपर हम घात लगाते हैं तो उसकी एरर किस प्रकार से चेंज होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, भौतिक राशियों का जोड़ एवं बाकी। देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भौतिक राशि को अपन व्यक्त कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि हमने किसी छड़ की लंबाई को मापा, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ है ए बी और इस छड़ की हम लंबाई मापते हैं तो इसकी वास्तविक लंबाई कुछ भी आती है, और मान लेते हैं हमने इसकी लंबाई को मापा और इसकी लंबाई आती है एल। उसके बाद इस लंबाई में जितनी त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम लिखते हैं डेल्टा एल, मतलब इसमें निरपेक्ष त्रुटि। तो मान लेते हैं इसमें निरपेक्ष त्रुटि जो आती है वो आती है डेल्टा एल, तो इसकी लंबाई को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी लंबाई को लिखेंगे एल प्लस माइनस डेल्टा एल। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का ये वास्तविक तरीका है, हम उसका वास्तविक मान लिखते हैं और उसके साथ उसकी त्रुटि को प्लस माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल मानिए कि छड़ की लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और हमने इसकी लंबाई मापने में 0.2 सेंटीमीटर की एरर कर दी, त्रुटि कर दी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई को किस तरह से व्यक्त करेंगे, इसकी लंबाई को हम लिखेंगे लंबाई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बार इसको माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है 9.8 और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10.2, है ना। एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, मतलब छड़ की लंबाई 9.8 से लेके 10.2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी फिक्स नहीं है। तो किसी भी भौतिक राशि को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अगर लंबाई लिखी है, अगर हम एक्स के टर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या किया जाता है, यहाँ पे ये प्लस माइनस इसकी त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें मिनिमम से मिनिमम कितनी त्रुटि हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी त्रुटि हो सकती है, क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि भौतिक राशियों को जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो इनकी त्रुटियां किस प्रकार से जुड़ती या घटती, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक भौतिक राशि दे रखी है एक्स, ठीक, और वो दो भौतिक राशियों के जोड़ से दी जाती है। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहां इसको हम समीकरण एक दे देते हैं, जहां डेल्टा ए, डेल्टा ए किसमें, ए में निरपेक्ष त्रुटि है, ए में निरपेक्ष त्रुटि। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x बराबर है ए प्लस बी, जहां डेल्टा ए है ए में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा बी है बी में निरपेक्ष त्रुटि, बी में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा एक्स है एक्स में निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है।
निरपेक्ष त्रुटि। तो मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x बराबर लिखा है a प्लस बी, जहाँ पे डेल्टा a तो a में निरपेक्ष त्रुटि है, इस a के मेजरमेंट में जो त्रुटि आई उसे डेल्टा a, b के मेजरमेंट में जो त्रुटि आती है उसे डेल्टा b, और x के मेजरमेंट में जो त्रुटि आई उसे डेल्टा x लिखते हैं। तो अभी मैंने बताया किसी भी भौतिक राशि को किस प्रकार से लिखते हैं, उस राशि के प्लस माइनस में उसकी त्रुटि को लिखते हैं। इसी तरह से तो हम इस x को किस प्रकार से लिखेंगे, इस x को हम x न लिख के क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे देन x की जगह लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, क्लियर, इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, तो ये प्लस, b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। मैंने क्या बताया कि कोई भौतिक राशि x बराबर है a प्लस b दे रखी हो, डेल्टा a में निरपेक्ष त्रुटि हो, डेल्टा b में निरपेक्ष त्रुटि हो, डेल्टा x में निरपेक्ष त्रुटि हो, तो हम किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसकी त्रुटि को प्लस और माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, देखिए गाइस, यहाँ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b, प्लस को इससे गुणा किया तो प्लस माइनस डेल्टा b, कोई फर्क नहीं। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इस a और b को साथ में लिख लेते तो a प्लस b, और प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। यहाँ देखिए a प्लस b किसके बराबर होता है, a प्लस b x के बराबर होता है, समीकरण एक से हम जानते हैं कि a प्लस b का मान x के बराबर है, तो इसकी जगह हम x रख देते हैं। यहाँ से आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर। यहाँ देखिए ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू आता है प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। प्लस माइनस में अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस कॉमन, यहाँ आ जाएगा डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है ये डेल्टा x बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है x में निरपेक्ष त्रुटि को, डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट करता है a में निरपेक्ष त्रुटि को, और डेल्टा b किसको रिप्रेजेंट करता है b में निरपेक्ष त्रुटि को। इसका मतलब क्या है कि x में निरपेक्ष त्रुटि का जो मान है वो a और b में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है, यानी कि अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, देखिए a और b को जोड़ा जाता है तो इनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी आपस में जुड़ती हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें, इस सॉल्यूशन से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है अतः भौतिक राशियों को जोड़ने पर इनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी आपस में जुड़ती हैं, इनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी आपस में जुड़ती हैं। जब भी अपन भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस किया कि जब भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां किस प्रकार से जुड़ती या घटती हैं, क्लियर है। इसको रफ कर देते हैं, दूसरा हम देखते हैं माइनस वाला केस देख लेते हैं, तो इस पूरे को रफ कर देते हैं गाइस। चलिए सेम, हम ये मानते हैं सब्ट्रैक्शन वाला केस लेते हैं और मान लेते हैं कि x बराबर a प्लस b की जगह हम लिखते हैं a माइनस b। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x बराबर a माइनस b है, मतलब दो भौतिक राशियों को यहाँ पे घटाया जा रहा है जोड़ने की बजाय। सिमिलरली डेल्टा a क्या है, a में निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा b क्या है, b में निरपेक्ष त्रुटि है, और डेल्टा x क्या है, x में निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी भौतिक राशि को हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी त्रुटि को उसमें प्लस या माइनस करके। तो x को किस प्रकार से लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a को किस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्लियर है गाइस। चलिए तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू
ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऑलराइट, अब देखिए माइनस को बी से, माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी, ओके। फिर माइनस को प्लस से किया तो माइनस, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस, ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी। अब यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, मैं अगर प्लस माइनस लिखूं या फिर माइनस प्लस लिखूं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही कैसे बात है समझिए। प्लस माइनस का मतलब जोड़ना और घटाना, और माइनस प्लस का मतलब घटाना और जोड़ना, सेम बात है, कैसे समझिए। पाँच प्लस माइनस दो लिखो तो इसका क्या मतलब है, पाँच में से एक बार दो को घटाएंगे तो तीन आएगा, और पाँच में दो को जोड़ेंगे तो सात आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू तीन से सात के बीच आएगी, इसका ये मतलब है। और यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ पाँच माइनस प्लस दो, तो इसका भी क्या मतलब है कि पाँच में से दो को घटाना है तो तीन आएगा, पाँच में दो जोड़ना है तो सात आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी तीन से सात के बीच ही आएगी। मतलब अगर प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, दोनों एक ही बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए, ये माइनस बी को इसके पास लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और इस माइनस प्लस को भी मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी मैंने बताया प्लस माइनस और माइनस प्लस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ से देखिए गाइस, ए माइनस बी किसके बराबर है, ए माइनस बी एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख लेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए डेल्टा एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एक्स एक्स में निरपेक्ष त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ए ए में निरपेक्ष त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा बी बी में निरपेक्ष त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब भौतिक राशियों को घटाया जाता है तब भी इनकी निरपेक्ष त्रुटियां तो जुड़ती ही है, जब भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तब भी इनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, और भौतिक राशियों को जब घटाते हैं तब भी इनकी निरपेक्ष त्रुटियां तो जुड़ती ही है, ठीक है। तो राशियों को घटाने पर इनकी त्रुटियां घटती नहीं है, बल्कि त्रुटियां तो जुड़ती ही है, राशियों को जोड़ने पर भी त्रुटियां जुड़ती है और राशियों को घटाने पर भी इनकी त्रुटियां जुड़ती है। कौन सी त्रुटि जुड़ती है, डेल्टा का मतलब होता है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो यहां से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अतः भौतिक राशियों को घटाने पर, भौतिक राशियों को घटाने पर इनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती हैं, इनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती हैं, ठीक है गाइस। तो हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, हमने दो पॉइंट यहां पे पढ़े हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पैपर में कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे दो पॉइंट पढ़ेगा इसके, जब भी भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जाता है तब भी इनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, निरपेक्ष त्रुटि जुड़ती है, और जब भौतिक राशियों को घटाया जाता है तब भी इनकी निरपेक्ष त्रुटि जुड़ती है, निरपेक्ष त्रुटि। अब हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा है, यदि ताप T1 बराबर 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तथा ताप T2 बराबर 27 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो तो तापांतर एवं कुल निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, दो टेम्परेचर अपन को दे रखे हैं, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2। तो सॉल्यूशन में
हमें क्या निकालना है, तापांतर निकालना है। तो तापांतर क्या होता है, डेल्टा टी बराबर आएगा T1 माइनस T2, ये आएगा तापांतर, मतलब तापों का अंतर। तो यहाँ पे भौतिक राशियाँ घट रही है आपस में, है ना, भौतिक राशियाँ जब घटती है तब भी इनकी त्रुटि आपस में ऐड होती है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, डेल्टा टी बराबर T1 की जगह ये वैल्यू रह जाएगी 37 प्लस माइनस 0.5 और माइनस T2 की जगह क्या आ जाएगा 27 प्लस माइनस 0.3। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देते थे, तो 37 माइनस 27 और प्लस माइनस 0.5 में हम किसको ऐड करेंगे, 0.3 को ऐड करेंगे। बता चुके हम, पढ़ा था हमने कि भौतिक राशियाँ जब घटती है तो भौतिक राशियों को तो घटाते हैं हम, 37 में से 27 को माइनस करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इनकी त्रुटियां हमेशा ही जुड़ेगी, वो घटेगी नहीं, अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ से तापांतर डेल्टा टी बराबर 37 में से 27 गया तो 10 और प्लस माइनस 0.5 और 0.3 0.8 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा तापांतर। तो तापांतर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0.8 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तापांतर में निरपेक्ष त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। कि जब अपन तापांतर लेंगे तो उसमें कम मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.8 डिग्री सेल्सियस का एरर हो सकती है, उसमें इतनी त्रुटि हो सकती है। क्लियर है गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भौतिक राशियों को जोड़ते या घटाते हैं तो इनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ती है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है या उनके ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो उनकी त्रुटियां किस प्रकार से जुड़ती या घटती हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।